हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं देखिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देख लीजिए, मोनू की रोटी बनाने के लिए मदद कर रहे हैं और आशीष जी यहाँ पर आटा गूंथ रही है। देख लो दोस्तों, हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बोलना भूल जा रही थी। तो आज बनेगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, आलू पराठा। तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और मोनू देख लीजिए काम बढ़ा रहे हैं मेरा, और इनका काम भी वही है मेरा काम बढ़ा रहा है। हेलो बोलो मोनू, हेलो 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 दोस्तों बोल दो। हाँ मोनू भी हेलो दोस्तों बोल रहे हैं ना। तो आटा गूंथ लिया है, थोड़ा सा और गूंथेंगे इसको और नरम करेंगे, और उसके बाद में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। जब दिखा देना स्टफिंग को भी दिखा देना, प्याज मिर्ची धनिया पत्ती का स्टफिंग दिखा देना और आलू को भी दिखा देना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारा आलू बॉईल हो रहा है और ये क्या है इसमें? प्याज मिर्ची धनिया पत्ती का मिक्स है जो कि उसमें मिलाएंगे, है ना? तो वीडियो में बने रही है लास्ट तक। कैसे बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे। और अभी आप लोगों को जाएंगे और इनका हाथ देखो, हाथ देखो कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग सब्जी लगाए हैं तो क्या क्या सब्जी लगाए हैं दिखाएंगे, और हमारा धनिया पत्ती इतना बड़ा बड़ा हो गया है उसको दिखाएंगे ना, ठीक है। हमारा बागान दिखाएंगे जो कि हम लोग क्या बोलते हैं यहीं पे लगाएं, क्योंकि सब्जी भाजी बहुत रेट है तो घर में रहने से थोड़ा सुविधा हो जाता है लगाए रहने से। तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आप बताओ थोड़ा मेरा आवाज़ चेंज लग रहा है। तो वीडियो में बने रही है क्या लग रहा है मेरे इनको बाल दे, बाल में चिपका रहे मेरा, मेरे को क्या लग रहा है बता दो। इनको लग रहा है बुखार, सर्दी खांसी बुखार। अरे तुम मोनो क्या कर रहे हो? बहुत करा है पूरा मोनो, आटा लेके वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे भी इसको फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि दो बार उसको गिरा चुके हैं और फिर से ले लेके जा रहे हैं। तो इतना ही स्टफिंग बना है देख लीजिए, और मोनू के पापा खाएंगे दो पराठा और मैं एक और मोनू एक। तो मोनू एक तो नहीं खा पाएगा आधा, और मोनू के पापा दो 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 मनु भी बोल रहा दो दो बोलो। पैंट किधर चला गया? पैंट पहने हैं मनु, नंगू नहीं है ना मनु? हाँ रे बोलो रे बोलो बोलो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आप लोगों को बागान दिखा दें। इसको अभी ढक के रख देंगे और नमक डाल के इसको गूंथे हैं, और इसको अभी ढक के रख देंगे और आके बनाएंगे। सो फ्रेंड देख लीजिए, हम लोग आ गए हैं बागान से, उसका सूट मैंने किया हुआ है तो आप लोगों को आगे चल के मिल जाएगा। मैंने लास्ट में उसको ऐड कर दिया है और इसको पहले डाल दी हूँ। तो ये देख लीजिए आलू और सब मसाले वगैरह डाल रही हूँ, जो जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हो सब डाल सकते हैं। मैं हल्दी मिर्ची गर्म मसाला और क्या बोलते हैं जो धनिया मिर्ची और प्याज का जो बनाई थी उसको भी डाल दी हूँ, जो मनु के पापा पहले आप लोगों को दिखाए ग्लैंड किए थे उसको, छोटा सा ग्लैंडर टाइप का है वो, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है उसमें, तो थोड़ा रफ़ रहता है ऐसे। तो इसको सबको मिक्स कर देंगे और नमक वमक जो भी अपने अनुसार डाल लीजिएगा जितना आपको टेस्ट के अनुसार पसंद हो। तो ये मैंने कर लिया देख लीजिए, अब इसको मैश करेंगे हाथ से, क्योंकि मैशर नहीं है तो हाथ से ही करेंगे और हाथ जिंदाबाद। तो ये देख लीजिए मैं मैश कर रही, तो कोई गट्ठा गट्ठा नहीं रहना चाहिए। सो फ्रेंड आलू हमारा मैश हो चुका है देख लीजिए, मैंने उसको राउंड राउंड बना लिया है। तो आप जितना बड़ा क्या बोलते हैं
आटा लेते हैं उतना ही बड़ा आलू लीजिएगा, लेकिन मेरा आलू का जो साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि आलू थोड़ा ज़्यादा हो गया था और आटा मैंने कम गूँथा था। तो जो छोटा वाला गोला बनाया था मैंने उसको फिर क्या बोलते हैं वो थोड़े थोड़े सभी में डालूँगी। तो आटा का जो मतलब बहुत थोड़ा पतला हो गया था, थोड़ा और थोड़ा सा टाइट गूँथना था, लेकिन पतला हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं बन गया। तो देख लीजिए ऐसे डाल के उसके बाद में इसको पैक करके हल्का सा उसको प्रेस करना है, हल्के हल्के से उसको बेलना है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी, सेट करवाई हूँ बैठने के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को और मोनू को सर्दी हो गया है जिसके वजह से मैं ड्यूटी भी नहीं जा पा रही हूँ और घर में ही हूँ और क्या करूँगी। तो देख लीजिए ये, और आप लोगों को हमारे ऐसे रानी महाजन चैनल पर बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिलने वाला है आप लोगों को, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो हल्का हल्का करना है, तो जहाँ जहाँ फटता है वहाँ वहाँ सूखा पाउडर डाल दीजिएगा, सूखे आटे का तो कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा गोला अगर सेम सेम रहता है तो नहीं फटता है बिल्कुल भी, लेकिन मेरा आटे का गोला थोड़ा छोटा था और आलू का जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से हल्का सा देख लीजिए फटा हुआ है। तो इसमें मैं सूखा पाउडर डाल दूँगी तो ये कुछ नहीं होगा और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देख लीजिए मैं सूखा पाउडर डाल दे रही हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा आटा लूज़ था, काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही लूज़ हो गया था, उतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो देख लीजिए मैं उसी को सूखा पाउडर से कवर कर देती हूँ, और ये देख लीजिए नीचे का जो आलू फटा हुआ है उसको डाल के दोबारा से उसको भी सूखा पाउडर से कवर कर दूँगी। फिर उसके बाद बनाएंगे पराठा, तो आप लोगों को दिखाऊँगी, अगर कभी फट भी जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, सूखा पाउडर से मैं कवर कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छा बना था, टेस्ट अभी बहुत अच्छा था, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। देख लीजिए मछली वाला है, सो देख लीजिए फ्रेंड पराठा कैसे फूल रहा है, बीच से पूरा फूल रहा है और पूरा पराठा जो है वो अलग हो गया है आलू से। तो ये देख लीजिए, उठा के मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। दोस्तों देख लीजिए बहुत ही मज़ेदार बना है, मज़ेदार खाने टाइम को दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका। पूरा फुला हुआ है, एकदम क्रिस्पी बना है हमारा आलू का पराठा, कहीं से भी नहीं फट रहा है, बड़े ही आराम आराम से दिखाओगी पहुँच करके ले। बदले मेरा जुबान भले ही कड़वा है, दिल के हम बड़े सच्चे हैं, कोई हमें अच्छा कहे या ना कहे, हम अपने आप के लिए अच्छे हैं। मैं तो अकाउंट में 5000 भेजा था, हम बाद में नौकरी भेजते हैं, मेरा अकाउंट में 10000 कब के संग्रह में जाना मन दो 10000। देख लीजिए स्टफिंग इसका कैसे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सारे पराठे फूले हुए हैं, और ये मैंने लहसुन मिर्ची का चटनी पिसा हुआ है, और ये मैंने प्याज लिया है। बैठो मनु, खाओ मनु खाओ, नहीं खाओगे तो काफ़ी टेस्टी है, मिर्ची है उसको नहीं छू, नहीं खाओ मैंने मिर्ची बेटी।
नंबर टेस्ट है। तो देख लीजिए हम लोग आ गए हैं आशीष जी का बागान। मेरा बागान, इधर मुर्गी फार्म है, इधर बाजू में लगा है। ए मुन्नू नहीं कर रहा उसमें, नहीं वो पास से थोड़ा दिखा दे। क्या है ये? पालक। पाकी पापा, पापा है। ये कौन है? मुन्नू पालक, पालक बोलो, पालक पापा बोलता है पालक को। नहीं खुन्ना, नहीं खुन्ना बेटा, सब्जी है जी, भाजी खाता है ना। और मेथी इधर नहीं हुआ है, धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती थोड़ा लेट में उगता है, हो रहा है देखो, ये छोटा छोटा उगा है ना, ये धनिया पत्ती है। और ये वाला मेथी है, मेथी थोड़ा जल्दी आ जाता है। और ये भी मेथी है पूरा, ये वाला। और लाल साग हरा साग रहता है ना, पास से थोड़ा दिखा लग गया। और वाला मूली है, ये नहीं खून, मूली नहीं खून, नहीं चलो। और एक जगह है हम लोगों का धनिया पत्ती और मेथी, थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है, उसको दिखाते हैं। और रूम का उधर पास में है और ये वाला थोड़ा दूर में है, तो आ जाइए आप लोग। सो फ्रेंड देख लीजिए, ये थोड़ा रूम के पास है जो घेराव था ना वहाँ पे, तो ये वाला जो दिख रहा है वो मूंगफली है, तो अभी ये बड़ा बड़ा हो गया है। और इधर हम लोग जगाए हैं देख लीजिए मेथी, मेथी और सरसों, बीच बीच में सौंफ का पेड़ आ गया है, मिक्स हो गया था बीज जो था, तो ये देख लीजिए मेथी काफ़ी बड़ा हो गया है। और दो चार दिन में इसको तोड़ के खाएंगे भी हम लोग, एक सब्जी हो जाएगा, टमाटर में बनाएंगे, टमाटर मेथी बहुत अच्छा लगता है। और हमारा धनिया पत्ती दिखाते हैं आप लोग, तो देख लीजिए धनिया पत्ती भी आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हरा भरा हमारा ये। तो इसको थोड़ा थोड़ा खुदाई कर दिए हैं साइड साइड में, ये देख लीजिए, तो इससे क्या है मिट्टी हल्का होगा तो जल्दी से बढ़ेगा ये। और मिर्ची कितना फला है आप लोगों को दिखाते हैं, इधर भी लगा है मेथी देख लीजिए, इसका घास को थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो एक पेड़ में 10 से 15 मिर्ची फला है, तो काफ़ी ज़्यादा है। उधर भी है पेड़, मिर्ची का पेड़, और ये घास उखाड़ के इधर रख दिए हैं, थोड़ा सूखे जैसा हो गया है, उसको हटाएंगे। ये तुलसी का पेड़ काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और ये भिंडी लग देख लीजिए मेरे से भी ऊपर है, मेरे इतना इतना दो हो गया है भिंडी, उतना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये मूली है, तो ये बढ़ चुका है, तो इसको ये भी हो जाएगा 4-5 दिन में खाने लायक। और ये मुनगा का पेड़ है, मुनगा पेड़। और इधर मुन के पापा दूसरा मोबाइल में शूट कर रहे हैं। तो इधर फ्लावर है, तो काफ़ी अच्छा व्यू लगता है यहाँ का। और ये देख लीजिए भिंडी, इसको बांध के रखे हुए हैं बीज के लिए, तो ये बड़ा बड़ा भिंडी ये टाइट हो गया है, तो ये बीज के लिए हो जाएगा, और दोबारा भिंडी का क्या बोलते हैं वो बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। और इधर भी है देख लीजिए, तो ये झिल्ली बांध देने से क्या होता है कि एक पहचान हो जाता है, इसको तोड़ना नहीं है अपने को। तो इधर भी और मिर्ची है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें भी काफ़ी फला हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। ये देख लीजिए, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और इसमें भी देख लीजिए बहुत सारे मिर्ची फले हुए हैं, तो खाने लायक ये हो जाएगा। और इधर पुदीना है, आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा लगाए थे, बहुत ज़्यादा फैल जाता है पुदीना जो होता है, थोड़ा पानी की जगह में लगाने से सही रहता है। और ये फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है देख लीजिए। तो उधर मोनू बॉल खेल रहे हैं, चले गए हैं, बदमाशी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और क्या बोलें आप लोगों से। तो अभी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, अभी
पराठा बनाएंगे, आलू पराठा, तो देख लीजिएगा आप लोग। और मुनगा पेड़ यहाँ दो तीन है, इधर है एक, इधर है, उधर सेड तरफ भी है एक, और उधर लास्ट तरफ एक वो दिख रहा है, उधर है, उधर पूरे काम करने वाले आ रहे हैं, इधर ये लोग बॉल खेल रहे हैं।